इस फिल्म की कहानी जॉनी सिंस के बचपन के कारनामों से इंस्पायर्ड है। अगर आप उनके बचपन के कारनामों के बारे में जानना चाहते हैं देन वीडियो को पूरा देखिएगा, और नहीं तो वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए। फिल्म का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। तो फिल्म की शुरुआत में हम छोटे जॉनी सिंस को देखते हैं। उनके बचपन का नाम रोजर था। 16 साल का रोजर समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है। उसे लेने के लिए उसकी माँ ने अपनी एक मेड मिस लपीते को घोड़ागाड़ी लेकर भेजा था। घोड़ागाड़ी में अच्छी सस्पेंशन ना होने की वजह से मिस लपीते के खरबूजे उछल रहे थे, जिसे देखकर रोजर के अंदर छिपा छोटा चेतन बाहर निकलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। मिस लपीते भी रोजर के इरादे समझ चुकी थी, पर उसने रोजर से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हिलते हिलते रोजर फाइनली अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स उसका स्वैग से स्वागत करते हैं। तभी रोजर की माँ की नजर उसके पैंट पर पड़ती है और वो पूछती है कि तुम्हारे पैंट पर ये रबड़ी कैसी। दरअसल मिस लपीते के खरबूजे को तारने की वजह से रोजर के छोटे चेतन ने अपना जवाब दे दिया था। तभी वहां मौजूद रोजर की मासी उसे डिफेंड करते हुए कहती है, अरे जाने भी दो, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है। और वो खुद अपने हाथों से रोजर के पैंट पर लगी रबड़ी साफ करने लगती है। वहाँ कई सारी मेड भी मौजूद होती है, जिसमें से एक का नाम होता है उर्सुला। आगे हम देखते हैं कि रोजर की एक छोटी बहन भी है, जिसका नाम है बर्था। बर्था रोजर को जंगल की सैर कराने ले जाती है, जहाँ रोजर की मुलाकात मिस लपीते से होती है। मिस लपीते को अचानक जोर की लग जाती है और वो वहीं खड़े खड़े ही रोजर के सामने पौधों को पानी देने लग जाती है। रोजर मन ही मन सोच में पड़ जाता है कि भैंस की आंख, ये मैंने क्या देख लिया। इसके बाद रोजर जंगल में ख्याली पुलाव बनाते हुए टहल रहा होता है कि तभी अचानक फिसल कर वो पास ही के एक झाड़ी में गिर जाता है। वहां उसे किसी लड़की के हंसने की आवाजें सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी घर की ही एक मेड उर्सुला किसी अनजान मर्द के साथ जंगल में मंगल करने में बिजी है। उर्सुला की नजर रोजर पर पड़ती है और वो मुस्कुराने लग जाती है। रोजर घबरा जाता है और वो तुरंत अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग जाता है। रात को रोजर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी माँ डिसिप्लिन के मामले में काफी सख्त होती है और बात बात पर रोजर को टोकती रहती है। डिनर के बाद रोजर अपने कमरे में सोने चला जाता है। रोजर को अपने कमरे के बाहर से कुछ खरखराने की आवाजें सुनाई देती है। बाहर झाँककर देखने पर उसकी फटके हाथ में आ जाती है। वो देखता है कि उसके घर की एक नौकरानी हेलेन किसी के दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई हवस का पुजारी खड़े खड़े ही पीछे से उसका तबला बजा रहा था। फटाफट एक कुकी करने के बाद हेलेन अपना कपड़ा ठीक करते हुए वहां से चली जाती है, और यहाँ अपना रोजर का छोटा चेतन तनकर उस मेड की बहादुरी को सलामी देने लगता है। रोजर अब सोने जाता है, तभी उसे बार्था दिखाई देती है जो कि उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। बार्था उसे अपनी मौसी के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि हमारी मासी मार्गरेट अभी तक एक वर्जिन है। रोजर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। बार्था कहती है, मुझे हेलेन ने बताया था, वो हमारी घर की एक मेड है। रोजर कहता है, हमारी मासी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बार्था कहती है, पता नहीं, मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह बार्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है, जहां उसके घर के सारे नौकर नहाते हुए अपनी सीक्रेट शेयर किया करते थे। बार्था और रोजर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते कि तभी उर्सुला और बाकी नौकरानियां वहां नदी के किनारे आ जाती है। दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। नौकरानियां आपस में पंचायत कर रही होती है, तभी नदी के दूसरे किनारे से तीन रामू काका गुजर रहे होते हैं। ये तीनों भी रोजर के घर के नौकर ही थे। तीनों पौधों को पानी देते हुए नदी के उस पार बैठी मेड्स को अपने अपने औजार दिखाने लग जाते हैं। उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी, वो भी जोश में आकर अपना तबला उन्हें दिखा देती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, अरे वाह, इस लड़की ने तो मौज कर दी। ये सब चल रही रामायण बार्था और रोजर एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आई हुई होती है, जिसका घर के सभी फैमिली मेंबर्स स्वैग से स्वागत कर रहे होते हैं। एलिसा सभी से गले मिलती है और जब रोजर की बारी आती है तब वो उसे सिर्फ हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। रोजर अपने साथ हुए इस भेदभाव के पीछे की वजह को समझ नहीं पाता और निराश हो जाता है। रोजर की निराशी बार्था समझ जाती है और उसका मन हल्का करने के लिए वो उसे एक चर्च के अंदर ले जाती है, जहाँ दोनों छत पर छुपकर अपनी मासी की बातें सुन रहे होते हैं। उसकी मासी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपना गुनाह कबूल कर रही होती है। वो उस पादरी से कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो पादरी पूछता है, क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ। मार्गरेट कहती है, मेरा नेफ्यू रोजर कुछ दिन पहले ही अपने बोर्डिंग स्कूल से समर वेकेशन एंजॉय करने यहाँ आया है, और जब से मेरे नैना उसके नैनों से मिले हैं तब से मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है।
ये सारी बातें चर्च के छत के ऊपर छिपा रोजर पूरे ध्यान से सुन रहा था। वो सोचने लगता है कि चलो कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में भी सोचता है। मार्गरेट के इन सब बात को सुनकर पादरी को नींद आ गई थी। रोजर भी एक्साइटमेंट के मारे छत के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका भांडा भी फूट जाता है। पादरी और उसकी मासी मार्गरेट रोजर की माँ को उसके बारे में सब बता देते हैं। रोजर की माँ पादरी से कहती है कि अब आप ही बताइए इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। पादरी कहता है कि इसके पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने चाहिए, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। रोजर की माँ को भी यह आइडिया पसंद आता है। वो रामू काका को बाहर से झार की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। फिर वो झार की मुट्ठी मार्गरेट को पकड़ाते हुए कहती है कि यह काम तुम ही करो। तभी वहाँ एलिसा का फैन से रोलैंड आ जाता है और वो रोजर को देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगता है। मार्गरेट पहले तो मना करती है, बट रोजर की माँ के फोर्स करने पर पूरी शिद्दत के साथ वो रोजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाती है, जिसकी वजह से रोजर का पिछवाड़ा अब एक लाल टमाटर का रूप ले चुका था। यह कार्यक्रम घर की मेड उर्सुला और उसकी बहन बर्था बाहर से छिपकर देख रही होती है। रात को रोजर उल्टा होकर सो रहा होता है, क्योंकि फटके पड़ने की वजह से उसके पिछवाड़े इस हालत में नहीं थे कि उसका वजन सह पाए। तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर से बर्तन की खनखनाहट सुनाई देती है और वो लपक कर बाहर झांकने लगता है। वो देखता है कि इस बार भी हेलन के पिछवाड़े में कोई अपना बेलन डाले हुए था, बट अफसोस के साथ हम ऑडियंस को ये पता नहीं चल पाता कि आखिरकार वो मिस्टर इंडिया था कौन। इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी इस नज़ारे का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। मिस्टर फ्रैंक मन ही मन सोचते हैं कि वाह क्या सीन है। तभी वहाँ उर्सुला आ जाती है और रोजर से कहती है कि मैंने तुम्हें आज पिटते हुए देखा है और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में आयोडेक्स लगा देती हूँ। रोजर कहता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो। उर्सुला कहती है हाँ पूछो। रोजर कहता है हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तब मुझे हेलेन किसी के साथ अपना तबला बजवाते हुए दिखाई देती है, क्या तुम्हें पता है कि वो मिस्टर इंडिया कौन है। उर्सुला कहती है ये हम मैट्स की हर रात की कहानी है, यह एक टॉप सीक्रेट है, और वहाँ से चली जाती है। रोजर सोच में पड़ जाता है कि साला सभी यहाँ अपनी गाड़ी तेजी से दौड़ा रहे हैं, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। तभी उसे याद आता है कि हेलेन की पेलन मिस्टर फ्रैंक भी तो देख रहे थे, उन्हें इस बारे में ज़रूर पता होगा। वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके कमरे में जाता है, जहाँ मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डाले हुए दूरबीन की मदद से चांद सितारों का मुआयना कर रहे थे। रोजर को अपने कमरे में देखकर मिस्टर फ्रैंक चौंक जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोजर भी दूरबीन से चांद सितारे की खोज करने लगता है। तभी उसे जमीन पर दो आत्माओं का मिलन दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि साला थर्की मिस्टर फ्रैंक किस चांद सितारे को देख रहे थे और उनके हाथ उनके पैंट में क्यों थे। रोजर इसी सोच में डूबा रहता है कि तभी उसे टेबल पर पड़ी एक किताब मिलती है। उस किताब में मियाँ खलीफा के फोन नंबर के साथ साथ दिलचस्प कहानियां भी लिखी हुई थी। रोजर जल्दी से उस किताब को अपनी चड्डी में छुपा कर वहां से निकल लेता है। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से गुटरगू की आवाजें सुनाई देती है। वो दरवाजे से झांकने की कोशिश करता है, तभी एलिसा का फियांसे रोलैंड उसे झांकते हुए पकड़ लेता है। रोजर उसे कहता है कि तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रोलैंड भी इस मौके को ना गवाते हुए रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर एक घोड़े की अस्तबल में छुपकर वो अश्लील किताबें पढ़ते हुए अपनी हाथ गाड़ी चला रहा होता है। तभी वहाँ एक रामू काका आ जाते हैं और रोजर उन्हें देखकर एक कोने में छिप जाता है। कुछ देर बाद हेलेन भी वहाँ मुर्गियों को दालना डालने आ जाती है। रामू काका बातों ही बातों में हेलेन को उस खिड़की में फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलेन का बैंड बजाने लग जाता है। हेलेन की नज़र रोजर पर पड़ती है और वो उसे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन जब रोजर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तब हेलेन उसे रोकते हुए कहती है नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलेन को भी रामू काका से बेलन लेने में मजा आ रहा था। रोजर को शक हो जाता है और जब तक उससे पता चलता कि बाहर क्या खिचड़ी पक रही है तब तक रामू काका अपना काम कर चुके थे। अगले सीन में रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा और उसके फियांसे रोलैंड के साथ बातें कर रहा होता है। तभी रोलैंड रोजर से कहता है देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए, इन्हें अच्छी तरह से साफ कर दो, पर रोजर ऐसा करने से मना कर देता है। रोलैंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी माँ को रोजर के बारे में सब बता देता है। वो कहता है कि पिछली रात ये आपके कमरे के बाहर आपकी गुटरगू के मजे ले रहा था। रोजर की माँ ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो रोलैंड से कहती है मैंने अपनी सारी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए हैं, पर पता नहीं इस लड़के को ये सब ज्ञान कौन दे रहा है। वो तुरंत रोजर को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। रोजर मौका देखकर अश्लील कहानियों वाला किताब अपनी बहन एलिसा की किताब से एक्सचेंज कर लेता है।
रोजर बाहर से छिपकर एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है। एलिसा भी उस किताब में मौजूद कहानियों को पढ़कर अंदर ही अंदर फूलने लग जाती है। इधर रोजर का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने के लिए आंदोलन पर उतर आया था। उसे शांत कराने के लिए रोजर सीधे उर्सुला के पास जाता है, जो कि किचन में अपना काम कर रही होती है। रोजर लपक के उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है, बट उर्सुला को लगा कि किसी रामू काका ने उसे पकड़ा है। वो भी अपने आप को डिफेंड करते हुए रोजर के माथे पर एक प्लेट तोड़ देती है। उर्सुला देखती है कि अरे ये तो अपना रोजर है। वो भी रोजर को अपने साथ घपा घप करने के लिए उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है। लेकिन तभी एक मोटी सी मेड वहां आ जाती है और रोजर अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। अब रोजर का छोटा चेतन काबू से बाहर हो रहा था। काफी सोच विचार करने पर उसे मिस लपीते की याद आती है। वो सोचती है कि और कोई नहीं, मिस लपीते तो मुझे अपने खरबूजे जरूर खिलाएगी। वो दौड़कर मिस लपीते के पास जाता है और जाते ही उसे पीछे से पकड़कर धनाधन अपनी घोड़ागाड़ी चलाने लग जाता है। मिस लपीते ऊपर ऊपर से इस बात का विरोध करती है, बट अंदर ही अंदर कहती है कि हाँ हाँ लगे रहो। तभी एक डाकिया वहां चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है कि जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई, जर्मनी ने जंग का ऐलान कर दिया है। यह सुनकर सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और एक बार फिर से रोजर के छोटे चेतन की प्यास अधूरी ही रह जाती है, क्योंकि अगले दिन उस गांव के सभी मर्दों को जंग में जाना था। रोजर की फैमिली पार्टी सार्टी करने लग जाती है। मिस्टर फ्रैंक कहता है कि मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा, मुझे अस्थमा है। रोजर को जब यह बात पता चली कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की सारी औरतें अकेली रहेंगी, तो वो अंदर ही अंदर भगवान को शुक्रिया कहने लग जाता है। अब रोजर सभी के जाने का इंतजार करने लगता है। बट तब के टाइम में फ्रांस में एक रिवाज हुआ करता था, जब भी कोई जंग होती तो उसमें जाने से पहले सारे मर्द अपनी बीवियों के साथ जंगल में जाकर मंगल किया करते थे। आज की रात भी वही रात थी, सभी जंगल में मंगल कर रहे थे और अपना रोजर सभी को एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। अगली सुबह सारे मर्द युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं और रोजर उन्हें जाते हुए देखकर यह सोचने लगता है कि जाओ जाओ, अब तुम्हारी बीवी की सवारी तो मैं ही करने वाला हूँ। सबसे पहले रोजर उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है। उर्सुला को तो पहले से ही रोजर से लगाव था, वो भी खुद को रोजर के हवाले कर देती है। रोजर बिना टाइम गवाए पूरी शिद्दत से उर्सुला की अनबॉक्सिंग में लग जाता है, पर उर्सुला ने पहने हुए होते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड कपड़े, वो उसे अनबॉक्स ही नहीं कर पाता। बाद में उर्सुला रोजर एक साथ पूरी रात तक पलंग तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन बार्था रोजर से कहती है कि हमारी माँ पादरी के सामने कुछ कन्फेस करने वाली है, चलो जाकर देखते हैं कि उन्होंने कौन सा पाप किया है। उसकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड रात को मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में घपाघप करता है और मुझे भी इसमें बहुत मजा आता है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। पादरी कहता है तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, इसे पाप नहीं कहा जाता। अगले सीन में हम नदी के किनारे बैठी रोजर की मेट केट को देखते हैं। तभी अचानक रोजर भी नदी में से निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसा कर वही नदी के किनारे ही उसके साथ घपाघप करने लग जाता है। अब रोजर की हिम्मत बढ़ गई थी, वो अपने घर में मौजूद सभी महिलाओं के पैंट के अंदर घुसने का प्लान बनाता है। रोजर के पापा कुछ दिनों के लिए जंग से वापस घर पर आए हुए थे, दरअसल वो एक कर्नल थे और कभी भी अपने घर पर आ जा सकते थे। रात में रोजर की नजर अपनी मासी मार्गरेट और केट पर पड़ती है, जो कि उसके पेरेंट्स के कमरे के बाहर छिपकर उनका गुटरगू देख रहे थे। रोजर को अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि घर के सारे मर्द तो युद्ध लड़ने गए हुए थे। वो बेधड़क अपने पेरेंट्स के कमरे में घुस जाता है, जहां उसके पेरेंट्स एक रोल प्ले कर रहे थे। इसके बाद मार्गरेट अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, तभी उसे अपने बिस्तर पर रोजर लेटा हुआ दिखाई देता है। रोजर मार्गरेट से कहता है कि मुझे पता है कि आप अभी तक एक वर्जिन हो, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। पहले तो मार्गरेट मना करती है, बट थोड़ी देर के चुम्माचाटी के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती। रोजर ने अपनी मासी का भी शिकार कर लिया था। इधर हेलेन फिर से चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के सामने आती है, बट इस बार उस दरवाजे से मिस्टर इंडिया गायब था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग लड़ने गए हुए थे। कोई और चारा ना होने की वजह से हेलेन सीधे रोजर के कमरे में चली जाती है। रोजर उसे पूछता है कि तुम हमेशा इसी टाइम पर यहाँ क्यों आती हो। हेलेन कहती है मैं तो जस्ट चाय नाश्ता देने के लिए आती हूँ, और वो वहां से जाने लगती है कि तभी रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और हेलेन को अपने बेलन के दर्शन करवाने लग जाता है। एक दिन बर्था और रोजर बगीचे में बैठे हुए होते हैं, तभी बर्था कहती है कि देखो कौन जा रहा है। रोजर देखता है कि यह तो उसकी बड़ी बहन एलिसा थी, वो बर्था के इशारे समझ चुका था। वो तुरंत एलिसा के पास पहुंचता है, जो कि घोड़ों को घास डाल रही थी। रोजर एलिसा को भी अपने जाल में फंसा लेता है। पहले तो एलिसा जमकर इसका विरोध करती है, बट अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वो भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों घोड़े के सामने ही गपागप करने लग जाते हैं। अब रोजर की निकल पड़ी थी, घर की लगभग सभी औरतें लाइन लगाकर रोजर के कमरे में जाती और खुद को संतुष्ट करके बाहर निकलती। कभी कभी तो रोजर एक साथ तीन तीन मेट को भी शांत करवा देता था। एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रोजर से कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ।
ये सुनकर रोजर का माथा ठनक जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि रोलैंड प्लेन में बैठा वापस घर लौट रहा होता है। दरअसल युद्ध खत्म हो चुकी थी और सारे मर्द वापस आ चुके थे। रोजर अब ये सोच में पड़ जाता है कि इसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कुछ देर बाद उसकी मासी मार्गरेट भी यही बात कहती है। रोजर सोचने लग जाता है कि अगर जल्दी से जल्दी कोई उपाय नहीं मिला तो फिर मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरी सख्त माँ मुझे पूरे गांव के सामने उल्टा लटका कर मेरी गोटियाँ कटवा देंगी। वो उर्सुला से एक लाल रंग का नेल पॉलिश लाने के लिए कहता है। फिर वो उस नेल पॉलिश को लेकर एलिसा के पास जाता है और कहता है कि तुम प्लीज रोलैंड को सीड्यूस करो और जैसे तैसे उसके साथ आज इंटीमेट हो जाओ। रोजर फटाफट से एलिसा के बेड पर रेड नेल पॉलिश भी लगा देता है जिससे कि रोलैंड को लगे एलिसा अभी तक एक वर्जिन है। इसके बाद वो अपनी मासी मार्गरेट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप प्लीज मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत चाहते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह ख्याल भी रखेंगे। मार्गरेट भी मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उससे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सुला ने पहले से ही किसी और के साथ शादी करने का प्लान बनाया हुआ होता है। तीनों लेडीज की एक ही साथ शादी हो जाती है और किसी को कानो कान भी ये खबर नहीं लगती कि मर्दों की गैर मौजूदगी में रोजर ने क्या गुल खिलाया था। सुहागरात की रात एक आखिरी बार रोजर हेलेन के साथ पूरी शिद्दत के साथ गपा गप करता है। कुछ दिन बाद रोजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वो अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी हेलेन वहाँ आती है और रोजर से कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रोजर कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी एक हस्बैंड का इंतजाम मैं कर दूंगा। हेलेन कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो इस घर के कई मेंबर्स ने अपने कमरे में खींच कर अपना बेलन दिया है, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दूंगी। अगली सुबह रोजर अपने बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए रवाना हो जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।